वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, माई नेम इज़ श्रद्धा और टॉपिक हमारा चल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया और बस आज उसका लास्ट पार्ट है। एंड टू माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से आई एम सॉरी कि मैंने इतने देर से वीडियो अपलोड नहीं की और उसकी वजह ये थी कि मेरे अपने एग्जाम्स चल रहे थे और उसके अलावा दो तीन प्रोजेक्ट्स साथ में और बहुत सी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं मुझे टाइम नहीं लगता था कि मैं रात को वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ के रोज़ जो है वीडियो अपलोड करूँ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स को कम्प्लीट कर दूँ ताकि आप सबके लिए यहाँ पे लेक्चर्स मौजूद हों। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किज़ोफ्रेनिया आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। तो जो हम यहाँ पे कह लेंगे कॉज पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, वो कौन से हैं? बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं एंड सोशियो कल्चरल हैं, यानी कि ये इन चीज़ों पर बेस वो आपको कॉजेस बता रहे हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन, अ वास्ट रिसर्च मटीरियल प्रूव द फैक्ट दैट predisposition to schizophrenia is inherited. इसका मतलब ये है कि अगर आपके खानदान में या आपके पेरेंट्स में से किसी को schizophrenia है तो हो सकता है कि आपको भी आगे जाके हो। जिस तरह कहा जाता है कि जो साइकोपैथ है, अगर उसके खानदान में कोई साइकोपैथ हो तो हो सकता है कि आगे जाके उनके आगे कोई बच्चा इस तरह का हो जाए जो कि बिल्कुल उसी तरह का हो। तो जीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। This assertion is validated by all the studies that have been conducted on the families or twins and adopted kids suffering from schizophrenia. वो कहते हैं कि ये जो हमने आपको बताई ये बात वो बेसिकली स्टडी की बेस पे है जो कि उन्होंने फैमिलीज पे कंडक्ट की है, ट्विंस पे कंडक्ट की है और उन बच्चों पे जो कि अडॉप्ट किए गए थे। आगे है फैमिली स्टडीज। Researchers demonstrate that the close relatives of the schizophrenic patient are most likely to get this disease. The more distantly related to the patient a person is, the less likely he is to have this disorder. यानी कि अगर कोई schizophrenic patient है आपकी family में और आप उसके close होते हैं तो हो सकता है कि उसकी बीमारी ये आपको भी लग जाए। जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आगे है ट्विन स्टडीज। कैनन एट एल इन 1998 एंड कार्टनो एट एल इन 1999 कैरेट आउट रिसर्च ऑन ट्विंस। कैनन और कार्टनो, इसने 1998 में और एट एल जो है वो 1999 में उसने क्या किया कि रिसर्च की थी उन्होंने ट्विंस पे। द रिजल्ट कंपाइल्ड बाय देम डेमोंस्ट्रेट दैट इफ वन ऑफ द मोनोजाइगोटिक ट्विंस सफर फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया द चांसेस ऑफ द अदर चाइल्ड गेटिंग दिस डिसीज आर 44.3%। वो कहते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनके दरमियान 44.3% जो है चांस है कि उनमें से, यानी कि किसी एक को कह देंगे स्किज़ोफ्रेनिया, एक को है तो दूसरे को जाए, ठीक है। और उसके अलावा वेयर एज इन डाइजाइगोटिक ट्विंस में परसेंटेज जो है वो 12.8% है। अच्छा, मोनो का मतलब होता है एक, वन जाइगोट से, और डाई का मतलब है टू जाइगोट्स। आगे है इन अदर वर्ड्स इफ वन ऑफ द ट्विंस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठी ना तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो का टाइम ले लेगा, तो आप सिंपल गूगल पे इसको मज़ीद सर्च कर लें, लेकिन इसको सर्च लाजमी कीजिएगा। फिर आगे है इन अदर वर्ड्स इफ वन ऑफ द ट्विंस इज स्किज़ोफ्रेनिक द डाइजाइगोटिक ट्विन इज लेस लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीज देन द मोनोजाइगोटिक ट्विन। वो कहते हैं कि अगर एक ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया है तो डाइजाइगोटिक ट्विन जो है उसमें लेस लाइकली है कि वो इससे इफेक्ट हो कम्पेयर टू द मोनोजाइगोटिक ट्विन। फिर आगे एडॉप्शन स्टडीज। इन ऑर्डर टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर इन स्किज़ोफ्रेनिया द चिल्ड्रन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक मदर्स वर इंक्लूडेड इन द रिसर्च। अब वो कह रहे हैं कि एडॉप्शन का जो फैक्टर अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि जिनकी मदर्स को स्किज़ोफ्रेनिया था और बाद में उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया, हमने उनको स्टडी किया। स्किज़ोफ्रेनिक मदर्स किड्स आर गिवन इन चार्ज ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स और वेलफेयर इंस्टीट्यूट वेयर दीज चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। वो कहते हैं ऐसे बच्चों को या तो कोई पेरेंट्स को दे दिया जाता है जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, या
वेलफेयर इंस्टीट्यूट वगैरह में, और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, यानी कि जिसका कोई स्किज़ोफ्रेनिया से कोई ताल्लुक ना हो, एक अच्छे घर में, एक अच्छी इन्वायरमेंट में उनकी परवरिश की जाती है. सिंस दीज चिल्ड्रन हैव हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन टू स्किज़ोफ्रेनिया, द इंटरेक्शन बिटवीन इनहेरिटेंस एंड इन्वायरमेंट इज एनालाइज्ड. तो क्या किया जाता है कि अब उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट दे दी गई है, लेकिन उनके आप कह लें कि जीन्स में स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वो देखते हैं कि इन्वायरमेंट का और इनहेरिटेंस का आपस में क्या ताल्लुक है, कौन किस पे हावी आता है, और उनकी आपस की इंटरेक्शन क्या है. इस तरह करके वो स्किज़ोफ्रेनिया को इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं. आगे है बायोकेमिकल फैक्टर. द ब्रेन कंटेन्स अ नंबर ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑफ विच डोपामीन इज वन. वो कहते हैं कि ब्रेन जो है उसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से एक ट्रांसमीटर का नाम है डोपामीन. अच्छा जी, एक्सपर्ट बिलीव दैट डोपामीन इज अ मेजर कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामीन, ये मेजर कॉज है स्किज़ोफ्रेनिया का. जब ये इंक्रीज हो जाता है ना, तो फिर आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है. टू प्रूफ्स आर क्या लिखा हुआ, एडक्टेड इन सपोर्ट ऑफ दिस कंटेंशन. अच्छा जी, वो कहते हैं कि दो प्रूफ ये हमारे पास. नंबर वन क्या है, द मेडिसिन गिवन टू स्किज़ोफ्रेनिक्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ डोपामीन. वो कहते हैं कि वो जो मेडिसिन दी जाती है ना स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को, वो बेसिकली इनके डोपामीन लेवल को कम कर देती है. द ब्रेन एनालिसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक्स इंडिकेट दैट द डोपामीन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इन देयर ब्रेन. और जब ब्रेन एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें भी नजर आता है कि उनके ब्रेन में जो डोपामीन है वो बहुत ज़्यादा है. फिर है साइको सोशल फैक्टर. स्किज़ोफ्रेनिक कैन नॉट फेस बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ, सो दे अडॉप्ट वेरियस स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज बिटरनेस विच एड्स टू देयर प्रॉब्लम फर्दर. थस द फॉलोइंग फैक्टर में आल्सो कॉज स्किज़ोफ्रेनिया. अब साइको सोशल फैक्टर में हम कह रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो हैं वो रियलिटी से डील कर ही नहीं सकते. तो अब वो जब डील नहीं कर सकते, तो उनके ब्रेन ने उसका कोई ना कोई इलाज तो निकालना है. तो वो क्या करते हैं, वेरियस स्ट्रेटजीज जो है ना अपनी इस बिटरनेस को, अपनी यानी कि कह लें कि जिंदगी की जो तल्ख हकीकतें हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो स्ट्रेटजीज अपनाते हैं. अब ये जो स्ट्रेटजीज वो अपनाते हैं, वो कह रहे हैं कि इससे भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है. नंबर वन इज अर्ली साइकिक ट्रामा. इफ द चाइल्ड हैज़ टू फेस अ सिवियर ट्रामा इन अर्ली ईयर्स, अगर एक बच्चा जो है अपने जिंदगी के शुरुआती सालों में कोई सिवियर ट्रामे का शिकार हो गया, कुछ बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया उसके साथ, इट कैन नॉट डील विद इट इफेक्टिवली, तो वह इसके साथ यानी कि इफेक्टिवली डील नहीं कर पाएगा. द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रामा बिकम द बेसिस फॉर फ्यूचर. और यही जो ट्रामा है वो उसकी आगे जो फ्यूचर में कह लें कि इस तरह की जो डिफिकल्टीज आने वाली हैं उसकी बेस बन जाती है. द कंडीशन एंड सेवेरिटी ऑफ द ट्रामा प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड. और जो उसकी ट्रामा की कंडीशन है और जो सेवेरिटी, ये दो चीज़ें, उसके ट्रामा की कंडीशन और सेवेरिटी यानी कि शिद्दत, ये बहुत अहम रिगार्ड कह लें कि रोल प्ले करता है इस रिगार्ड में. आगे है पैथोजेनिक इंटरेक्शन. द रिलेशनशिप बिटवीन स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेंज वन. वो कहते हैं कि रिलेशनशिप जो हमने देखा है ना वालिदैन और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के दरमियान, वो हमेशा कहने के स्ट्रेंज रहा, यानी कि कोई ना कोई इसमें खिंचाव रहा है. क्वाल्स, सेपरेशन, डिवोर्स एंड इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर हैव ऑफन बीन ऑब्जर्व अमंग सच पेरेंट्स. और ऐसे जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के कहने के वालिदैन होते हैं, उनमें सेपरेशन देखी गई है, लड़ाई, झगड़े, डिवोर्स, यानी कि घर में फसाद वगैरह, ये बहुत ज़्यादा देखा गया. दिस सॉर्ट रिलेशनशिप लीड्स द चाइल्ड टू हैव अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. अब वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है, तो क्या होगा, उसको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में चला जाता है, वो सिक्योर फील नहीं करता. फर्दर मोर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो एडवर्सली इफेक्टिव अफेक्टेड. अच्छा जी, और उसके अलावा जो एक बच्चे की कह लेंगे ट्रेनिंग की जाती है कि माशरे में किस तरह उठना बैठना है, क्या आपने सोचना है कि देखें कि हमें बताया जाता है ना कि अगर कोई मरे तो आपने रोना है, किसी की शादी हो तो आप कहें खुशी मनाते हैं, दुल्हन जो है वो रो रही होती है, धुलानी, अब हमारे यहाँ पे धुलानी रोता है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ों में देखें तो वहाँ पे धुले भी रो रहे होते हैं. तो क्या है कि एक बिहेवियर जो है वो बंदे का कंडीशन किया जाता है. तो जब वालिदैन में क्वाल्स होती हैं, सेपरेशन होती हैं, तो उसका असर बच्चे पे ये होता है, एक तो वो उसके ऊपर कह लेंगे ट्रॉमा आ गया, ठीक है. दूसरा ये होता है कि उसकी जो ट्रेनिंग है, जो एक बच्चे की बढ़ने तक जो ट्रेनिंग चलती है, वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है. तो ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का एक फैक्टर कह लें या कॉज कह लें, हो सकता है. फिर आगे इनअप्रोप्रिएट एटीट्यूड.
If the family suffers from economic insecurity, boys are given preferential treatment and girls are ignored. अब देखें, अगर बैलेंस नहीं ना होगा, बॉयज़ को प्रेफर किया जा रहा है, गर्ल्स को इग्नोर किया जा रहा है, या इसके बरक्स भी हो के वालिदैन जो हैं वो अपनी बेटी को प्रेफर कर रहे हैं, बेटे को प्रेफर नहीं कर रहे, बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा? तभी आपका ब्रेन जो है वो इस तरह बीमारियों की तरफ चला जाएगा. द मदर इज़ डिग्रेडेड, और मदर को डिग्रेड किया जाता है घर पर, यह भी बहुत अहम है. द मदर इंसाइड्स चिल्ड्रन अगेंस्ट द फादर ऑफ वाइस वर्सा, और मदर जो है वो बच्चों को कह लें कि वर्गलाती है कि जी बाप हमारा ऐसा वैसा, तो ये जो है ये भी बहुत एक अहम किरदार अदा करता है स्किज़ोफ्रेनिया में, आपको स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लेके जाता है. सिबलिंग लैक इंटीमेसी, सिबलिंग्स में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती. फैमिली मेम्बर्स शो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, और फैमिली मेम्बर्स में बहुत ही कहने के सियासत वाले बिहेवियर्स होते हैं. हाई वैल्यूज आर नॉट हेल्ड इन ग्रेट रिगार्ड, और कोई भी यानी कि नहीं होता कि मुझे उसकी मदद, हाई वैल्यूज का मतलब होता है कि यानी कि आपके अंदर अखलाक हो, वो कुछ भी नहीं होता इसके अंदर. पेरेंट्स प्रैक्टिस डबल स्टैंडर्ड्स, पेरेंट्स में डिप्लोमेसी बहुत होती है. ऑल दीज फैक्टर्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इंडिविजुअल, और ये तमाम जो कहने के इशूज़ हैं ये इंडिविजुअल के अंदर बिल्ड होते 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 उसके कहाँ पहुँच जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया तक. आगे देखते हैं, आगे सोशल रोल प्रॉब्लम्स, ये अभी वही चल रहे हैं. इसका नाम क्या है, स्किज़ोफ्रेनियक्स कैन नॉट परफॉर्म देयर सोशल रोल, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम, देयर बिहेवियर इज इनफ्लेक्सिबल, ऑल दीज फैक्टर इंक्रीज देयर प्रॉब्लम्स. वो कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक जो है वो अपना सोशल रोल जो है वो नहीं समझ पाते, किस तरह उन्होंने बिहेव करना है, और ये सारी चीज़ें जो एक माशरे से लिंक होती हैं, आपको एक माशरे का कह लें कि बाइज्जत शहरी बनाती हैं, या बाइज्जत कह लें कि पर्सन बनाती हैं, तो वो आपके अंदर नहीं होती, आपके अंदर मैनर्स नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता कि मैनर्स है क्या. आगे है फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी लर्निंग कैन ऑल्सो कॉज मेंटल डिसऑर्डर. फॉल्ट का मतलब होता है कि गलत, अगर आप गलत सीख रहे हैं तो फिर क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे. व्हेन द इंडिविजुअल फेल्स टू अडॉप्ट वेरियस कंडीशन, जब इंडिविजुअल जो है वो कोशिश नहीं करता कि वो कंडीशन के मुताबिक जो हालात है उसके मुताबिक ढल जाए, तो क्या होता है, वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाता है. He attaches improper and implausible expectation to the society and people. तो क्या करता है कि अपने हिसाब से सब कुछ मांगने लग जाते हैं, और basically वो लोगों से बहुत ज़्यादा expect करने लग जाते हैं. Hence he proves a failure, और बाद में क्या होता है, वो एक failure बन जाते हैं. आगे है other psychological problems, और फिर है socio cultural factor, और फिर इसका treatment है, फिर उसके बाद ही खत्म. Freud believed that unpleasant incident occurring between the mother and the child may be a cause of mental disorder. Freud का मानना है कि माँ और बच्चे के दरमियान अगर कोई unpleasant incident है, यानी कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो भी mental disorder की तरफ बच्चे को लेकर जा सकते हैं. Freud opines that a kid of extremely strict mothers become mental patient because such mothers do not give love to their children. अब बच्चों के लिए प्यार शफकत बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह हमारे में कहते हैं कि बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, तो वाकई उनको प्यार ही चाहिए होता है. अगर उनको प्यार शफकत अपनी वालिदा से स्पेशली ना मिले, उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, तभी बच्चे जो हैं वो आपको शुरू में ही अगर आप ऑब्जर्वेटिव हैं तो नज़र आने लग जाएगा कि वो मेंटल पेशेंट बनते जा रहे हैं. अदर साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द वे पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन. दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने भी इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं. आर डोमिनियरिंग मदर डज नॉट लेट हर चाइल्ड डेवलप सेल्फ रिलायंस. एक ऐसी मदर जो होती है ना, कहने के खिंची रहने वाली, बच्चों पे रोब जमाने वाली, फजूल के ये मैंने कह दी नहीं करना तो नहीं करना, मैं कह रही हूँ तो चलो, यानी कि इस तरह की जो मदर्स होती हैं वो बच्चे में सेल्फ रिलायंस को डिवेलप नहीं होने देती, उनके अंदर खुद एतमादी नहीं आने देती. She deprives the child of love and keep making the child feel worthless. Thus, the individual feels to have a fully developed self-image. उसे क्या होता है कि बच्चा जो है वो ऐसा ऐसा फील करने लग जाता है कि उसकी अपनी ज़ात की कोई वर्थ ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है. तो बेसिकली तो उसने दुनिया में आना है और खुद ही सारा कुछ संभालना है माशरे में अपना, माँ तो हर वक्त साथ में ना होगी, तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी एक सेल्फ इमेज नहीं बनती और वो माशरे में बिल्कुल कह लेंगे मुरझा सा जाता है.
थ्रू बिहेवियरिस्ट हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड मच टू द कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. वो कहते हैं बिहेवियरिस्ट जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के कॉज में ना कोई उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनकी तरफ से कोई हमें खास इकदाम नहीं मिले कि इस वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है. दे बिलीव इट टू बी अ रिजल्ट ऑफ कोऑपरेटिव कंडीशनिंग. उनका ये मानना है कि कोऑपरेटिव कंडीशनिंग की वजह से होता है. अलमैन एंड क्रासनर पुट इट डाउन टू कोऑपरेटिव कंडीशनिंग. ये जो दो आदमी हैं जी, इन्होंने कहा है ये कोऑपरेटिव कंडीशनिंग की वजह से है. बेल्चर और ब्रैग, मुझे नहीं क्या वैसे ना मुझे गुस्सा आता है कि इतने अजीब अजीब इनके नाम होते हैं. शायद इनके पेरेंट्स को पता होता है इन्होंने आगे जाके काम करना तो अजीब नाम रख. ब्रागिंस्की एंड ग्रिंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन 1988 दैट बिहेवियरिस्ट थ्योरी इज़ नॉट वैलिडेटेड. BBR ने कहा है, मैं बुरे नाम नहीं बोल रही, BBR ने डेमोन्स्ट्रेट किया जी 1988 में कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो वैलिडेट नहीं करती. यानी कि जो इन्होंने बिहेवियरिस्ट ने कहा है ना वो उनकी थ्योरी का कोई नहीं है. हाउएवर इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट अ पेशेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी कॉट बेटर मैनर्स कैन बी सॉरी टॉट बेटर मैनर्स थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक सो डैट दे मे विन सोशल अप्रूवल. लेकिन ये ज़रूर है कि हम उनको यानी कि सिखा सकते हैं मैनर्स ताकि वो सोशल अप्रूवल हासिल कर लें. आगे है सोशियो कल्चरल फैक्टर. ओके, द इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर इज ग्रेटर इन टाउन्स विलेजेस एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज देन इन सिटीज. वो कहते हैं कि सोशियो कल्चरल फैक्टर में अगर हम देखें तो ये टाउन और विलेजेस वगैरह में ज़्यादा होता है. द लोअर क्लासेज आर मोर लाइकली टू हैव स्किज़ोफ्रेनिया देन अपर क्लासेज. लोअर क्लास में ज़्यादा पाया जाता है. थ्रू देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन सोशल क्लास एंड स्किज़ोफ्रेनिया इट कैन नॉट बी प्रूव्ड. वो कहते हैं कि हम ये लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते कि जो लोअर क्लास है उसमें ही ज़्यादा है या उसका ही इससे लिंक है. साइकोलॉजिस्ट कंटेंट दैट द पीपल बिलोंग टू लोअर क्लासेज सफर फ्रॉम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ऑफन फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और अक्सर कहें कि कभी होता होगा कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना हो, लेकिन ज़्यादातर वो स्ट्रेस में ही होते हैं. तो क्या होता है, वो इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. व्हेन दे फेल टू फुलफिल देयर नीड्स इन और इंसल्ट एट द हैंड ऑफ पीपल. जब वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर पाते और लोगों से बेइज्जती को बर्दाश्त करते हैं चंद रुपयों की खातिर, हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक हेडवे और उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, परवान चढ़ सकें और गेट एजुकेशन या तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि तालीम हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत महंगी है. दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. अंडर सच अ सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, द पीपल प्री डिस्पोज टू स्किज़ोफ्रेनिया बिकम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स वेरी सून. तो लोग जो प्री डिस्पोज हैं, जिनका स्किज़ोफ्रेनिया से कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई पेरेंट है या कोई इस तरह पेशेंट से उनका कोई ताल्लुक वापस यानी कि ताल्लुक वगैरह, तो क्या होगा, उनको बहुत जल्द ही स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा. आगे ट्रीटमेंट है, व्हेन पेशेंट शो सिवियर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. जब ट्रीटमेंट में क्या है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम दिखाते हैं, इट इज़ बेटर टू ट्रीट दम विद ड्रग्स. बेहतर है कि आप उनको ड्रग्स से ट्रीट करें. एंटी साइकॉटिक ड्रग्स आर एडमिनिस्टर टू स्किज़ोफ्रेनिक, ओनली अ क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट कैन प्रिस्क्राइब दीज ड्रग्स. अच्छा, अब ये जो ड्रग्स हैं ये हर कोई नहीं दे सकता, महज आपको जो साइकेट्रिस्ट है, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, वो आपको ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकता है. इन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स आर कंसीडर्ड इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. वो कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर आप देखें, पहला तो बताते हैं कि ड्रग्स के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो सिवियर सिम्टम्स के लिए. और अगर वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखें आप, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक को यूज़ किया जाता है. आगे एक और भी है, इन बिहेवियर थेरेपी डिफरेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इन अकॉर्डेंस विद द पेशेंट्स कंडीशन. बिहेवियर में अगर आप देखें तो बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है. फिर आगे है क्या लिखा हुआ है, अच्छा, साइकोसर्जरी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में भी एम्प्लॉयड इन सीरियल केसेस. और बहुत ही ज़्यादा सिवियर किस्म के सीरियस केस हो, लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस, तो फिर उसके अंदर साइकोसर्जरी भी की जाती है, यानी कि दिमाग की सर्जरी या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव तो आप समझ ही गए होंगे कि झटके लगाने बिजली के, सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाते, यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया कि ऐसा हो सकता है.
सो आई होप गाइस के टॉपिक आप लोगों को समझ आया हो और मैंने इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो अब कवर करनी है। और अगर आपकी बुक्स में कोई ऐसा है, ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई पार्ट है जो इस बुक में नहीं है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर दें उसको PDF फाइल में, तो मैं फिर आप लोगों की वो वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप कि समझ आया हो, आसानी पैदा हुई हो। सो अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।